नौसेना गांव में एक परिवार पर आधा दर्जन बदमाशों का कहर। लूट के बाद युवक को मारी गोली। घायल को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। लगातार प्रदेश में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पुलिस का डर बदमाशों के दिल से खत्म सा हो गया है। इसी वजह से कहीं न कहीं बदमाश घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने हथियारों के बल पर परिवार में लूटपाट की। मुरादाबाद जनपद के बिलारी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक परिवार अपने एक छोटी सी दुकान से परिवार का पालन पोषण करता है। देर रात बदमाशों ने पहले तो दुकान में रखा सामान वहां से चुरा लिया और उसके बाद दुकान के रास्ते से बदमाश घर में दाखिल हो गए, जहां पीड़ित परिवार घर में सो रहा था। जिसके बाद बदमाशों ने परिवार वालों को जगाया और उनसे और सामान की मांग करने लगे, जिसके बाद महिला ने अपने पहने हुए भी सारे जेवरात बदमाशों को दे दिए। बदमाशों ने घर में रखा कैश और सोने चांदी के आभूषण लेकर घर के बाहर चले गए। एक बदमाश परिवार वालों पर निगाह रखने के लिए घर में ही रुका हुआ था, जिसको परिवार के मुखिया ने पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसको पकड़ा तो बदमाश ने अपने साथियों को आवाज देकर बुला लिया, जिसके बाद बदमाशों ने युवक की गोली मार दी है, जो गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए और घटनास्थल का मुआयना किया। एक महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि घर के अंदर चार बदमाश दाखिल हुए थे, जिसमें एक महिला थी और तीन पुरुष थे, जिन्होंने यह पूरी घटना को अंजाम दिया। लेकिन मेरे पति ने इनमें से एक बदमाश को पकड़ लिया था। उसके शोर मचाने पर उसके साथ ही बदमाश ने पीड़िता को पति को गोली मार दी। क्या नाम है आपका? रेखा। रेखा जी, किस गांव के निवासी हैं आप? नौसेना। तो क्या घटना हुई है रात? ये तो हमें मालूम नहीं किधर से घुसे थे। दुकान में से खपोर का सारा सामान चीज रखी थी मेरी दुकान में, और पैसे थे। हम पुनर्गिरी जा रहे थे आज, तो हमने सारा सामान गिरी करके अपने दुकान में रख दिया था। तभी उन्हें दुकान में से निकाल कर और बाद को हमें उठाया उन्होंने। किसने उठाया था? चोरा ने खाया। अच्छा। उन्होंने उठा कर हमें उनसे कह रहे हैं कि बता और माल कहाँ है, ना तो बंदूक मारेंगे चप्पू दंगे। तो मैं नहीं कही, मैं भैया लंबे पैर रही हूँ, ये सामान लो मेरा, तुम खुद निकाल लो, इन्हें छोड़ दो तुम। मैंने पैरों में की भी निकाल ली अपने और कानों में की भी सब उन्होंने खुद निकाली है। मेरे कानों में से पैरों में से मैंने खुद निकाल के दी है कि तुम इन्हें बकस दो। तो तीन आदमी बाहर चले गए। जब वो इकला रह गया ना एक, तो इन्होंने जाकर उसकी कौरिया भरी है, तो दूसरे ने आकर बाहर से गोली मार दी है। इन्होंने बंदूक खींची है, इन्होंने बंदूक जब खींची, बंदूक खींच कर मेरे लिए दे दी। तो मैंने बंदूक उठा तो क्या बंदूक बंदूक कहाँ है? वो बंदूक वो ले गए थे पुलिस वाले। पुलिस वाले गए, बंदूक छीन ली आपने? छीन ली थी हमने। हाँ, तो हमारे पति ने छीनी थी। पूछ लेंगे आपसे। पति ने हमारे छीनी थी बंदूक, तो मेरे लिए दी थी, तो मैंने लेकर और मैंने लिहाब में रख दी थी। लिहाब में से और लोगों ने उठा उठा कर पल्ली। कितने बदमाश थे? चार तीन आदमी थे और एक लेडीज थी। कितने रुपए की लूट हुई लगभग? 15,000 नगद है और दो सोने के पेंडल, एक सोने की अंगूठी और क्या कहते हैं, जो छोटी मोटी चीजें हमारे बच्चों की वो दुकान में रखती थी, और मेरे कुंडल और तीन जोड़ी दूरियां ऊपर की छोटी छोटी और हजारा पजेबा गे मेरी। मैं सो रही तो लेकर जाकर लेकर। अच्छा, ये बताओ कितने क्या बजे घटना है रात की? है? एक बजे की। अच्छा, तो आपको पहले उठाया था उसके बाद लूट करी थी? नहीं, लूट नहीं कर... पहले दुकान लूट ली है, बाद में उठाया उन्होंने, कर दिखा तुम सर कैसी। अच्छा, तो फिर आपने रात पुलिस को सूचना दी थी क्या बजे? फोन करे थे तो वो 20 मिनट हो गए, एक बज गए, 10 मिनट या 1:30 बजे, मतलब पुलिस ने पूरी मदद करी है। हाँ। अब क्या स्थिति है उनकी? मुझे नहीं मालूम, मैंने बात नहीं कर ली है। कहाँ है वो उस समय? पोस्टमार्टम अस्पताल में भर्ती कर दी है। बोल रहे थे उस समय जब आपसे बात हुई? जब यहाँ बोलना ना बात नहीं हुई मेरी, यहाँ से जब बात हुई थी मेरी बस, और वहाँ की मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। थाना क्षेत्र बिलारी ग्राम नौसना में रात्रि में अज्ञात बदमाशों द्वारा एक व्यक्ति के घर में घुसकर, ये लोग चोरी की नीयत से घुसे थे और चोरी करते समय उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान अज्ञात हमलावरों द्वारा फायर किया गया, जिससे घर के एक व्यक्ति को चोट लगी है, उनका इलाज चल रहा है, अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। मतलब उनका कोई मतलब वगैरह भी? हाँ, ये चूँकि आपस में जब ये घटना हो रही थी तो बदमाशों को पकड़ने का जो प्रयास किया गया था उसका असलाह भी छीना गया है। मतलब ये करीब 15,000 रुपया जो घर वालों ने बताया, 15,000 रुपया कैश और कुछ ज्वेलरी।